हेलो स्टूडेंट्स, मैं ज्योति पाराशर आपका स्वागत करती हूँ सीएस स्टडी पॉइंट में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास का फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू कंसेप्ट कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर कंसेप्ट के बारे में। आपको पता ही होगा जब आप कंप्यूटर लेते हो तो बच्चे वो एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होती कि आप स्टार्टिंग में ही लेके आते हो और उसको रन करना स्टार्ट कर देते हो और इंटरफेस हो जाता है। पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आपको पता ही है कि कंप्यूटर लेके आते हो तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है एंड प्रोसेस इनपुट डाटा एंड प्रोसीड एंड रिजल्ट आउटपुट अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एग्जाम। आपको पता होना चाहिए जो आउटपुट होती है वो क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड है प्रोग्राम। जब आपका एक सिस्टम क्या करता है, जब वो प्रोग्राम रन करता है, कंप्यूटर करता है, वो क्या करता है, कोई भी आउटपुट होती है अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं और उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन कॉल्ड है प्रोग्राम। अब नेक्स्ट आते हैं, कंप्यूटर परफॉर्म बेसिकली 5 मेजर इन द इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड मेक्स। क्या कहते हैं, साइज एंड मेक। तो फर्स्ट क्या है आपका, एक्सेप्ट डाटा और इंस्ट्रक्शन बाय वे ऑफ द इनपुट, मतलब जो आप इंस्ट्रक्शन देते हो, इनपुट देते हो, इंटर कराते हो, जैसे आपने कीबोर्ड से ए प्रेस किया तो वो आपको स्क्रीन पे दिखाए ए, तो वो क्या करता है। सेकंड पॉइंट आपको क्या कहता है, इट स्टोर द डाटा, क्या करता है आपके कंप्यूटर में आपके डाटा को क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है, जब तक आप उसको डिलीट नहीं करते तो वो क्या रहता है, स्टोर रहता है। नेक्स्ट कहता है कि प्रोसेस डाटा एज ए रिक्वायर्ड बाय द यूज़र, यूज़र जब तक उसको प्रोसीड नहीं करेगा वो प्रोसेस कैसे करेगा। आप जैसे किसी ने फाइल बनाई है एमएस ऑफिस के अंदर, ठीक है, यहाँ पे आपने जब सिंपल डॉक्यूमेंट्स नेम है, जब तक आपने सेव एज पे, किस पे, सेव एज पे जाके अपने फाइल को सेव नहीं किया है तो उसे क्या पता कि ये सेव करनी है नहीं करनी है। बट जब आप क्रॉस पे जब क्लिक करते हो, जब राइट हैंड पे आपके 3 ऑप्शन होते हैं ना कि आपको बिल्कुल मिनिमाइज़ करनी है या फिर साइज स्मॉल करना है या फिर बिल्कुल कट करना है, जब अगर आप बिल्कुल कट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपसे पूछता है कि आपको ये फाइल सेव करनी है, तो इट में इस कॉल क्या करता है, वो प्रोसेस डाटा इज़ रिक्वायर्ड बाय द यूज़र, यूज़र से पूछता है कि आपने जो डाटा किया है उसका हमें क्या करना है। ये बात समझ में आई आपको बच्चों, ठीक है बच्चों। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे फेसबुक यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम आए आप मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको डिस्कस करूँगी और आई होप सो वो आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और जितना भी हो सके अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कंप्लीट देखिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए कि उसको ये इन्फॉर्मेशन से उसको भी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब आगे चलते हैं हम फोर्थ पॉइंट के ऊपर, इट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। वो क्या करता है कि अपने जो कंट्रोल करता है ऑपरेशन कौन कौन से आपके, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट डिवाइड जो भी आपके ऑप्शन होते हैं इनको कंट्रोल करके रखता है, जो ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल ALU जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, जो भी कोडिंग करते हो या कोई भी फीचर्स को सेव करते हो, क्या मल्टीपल ऑपरेशंस आप वर्क करते हो, तो वो क्या करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, कहता है इट गिव रिजल्ट इन द फॉर्म आउटपुट। आपको क्या करता है, जो आपके रिजल्ट है वो आउटपुट के फॉर्म में आपको देता है। नेक्स्ट क्या करता है, इन ऑर्डर टू कैरी आउट द ऑपरेशंस एंड मेंशनड अबाउट द कंप्यूटर एलोकेटेड द टास्क अमंग इट्स वेरियस फंक्शन यूनिट। जो आपने कोई भी ऑर्डर कैरी किया, ऑपरेशंस मेंशनड किए हैं कंप्यूटर में, उसको जो लोकेट कराना है टास्क में, तो वेरियस जो फंक्शनल यूनिट है वो आपके लिए परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं जो यहाँ पे आप देखो, आपका जो बेसिक क्या है, ब्लॉक डायग्राम है फंक्शनल कंप्यूटर की, जो फंक्शनल यूनिट है क्या है, फंक्शनल यूनिट है, इसको हम बेसिक कंपोनेंट डायग्राम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिक कंपोनेंट डायग्राम भी बोलते हैं कंप्यूटर का, कि हमारे पास पहले क्या होती है, इनपुट होती है, लास्ट हमारे पास हमें क्या मिलती है, आउटपुट मिलती है। हमें ये नहीं पता जो अंदर की है
कि ये क्या किस तरह से वो परफॉर्म करती है एक्टिविटी और कैसे वर्क करती है। ठीक है, अब क्या है कि आपको ये पता है कि आपने इनपुट तो दी कीबोर्ड से, बट आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। सीपीयू ने क्या किया, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, सीयू सेंट्रल यूनिट होती है, एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है। बच्चों सीपीयू की फुल फॉर्म सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीयू की कंट्रोल यूनिट, फिर एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। मेन मेमोरी और आपकी सेकेंडरी एक्सिलरी मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी का मतलब क्या होता है, जो हेल्पिंग मेमोरी होती है, जो हेल्प करती है आपके डाटा को स्टोर करने के लिए या सेव करने के लिए। मेन मेमोरी एट ए टाइम जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो वो क्या कहलाती है, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। और जो आप लॉन्ग लास्टिंग तक जिस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखना चाहते हो मेन मेमोरी के बाद, जब उस फाइल को आप सेव कर देते हो तो इट कॉल्स वो क्या हो जाती है, वो सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती है और वो हमारी सेव हो जाती है इन फ्यूचर के लिए। इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखो यहाँ पे आपको दो लाइनें दिखाई हुई, एक तो डाटा पाथ की मतलब जो आप डाटा दे रहे हो, और फिर है कंट्रोल पाथ। कंट्रोल पाथ का मतलब है कि जब आप किसी फाइल के ऊपर कंट्रोल करके चल रहे हो कि वो डाटा है वो अच्छे से जा रहा है या नहीं जा रहा, सेव हो रहा है या उससे कोई पहले कोई भी प्रोसेस में एग्जीक्यूशन प्रोसेस में उसकी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम कि आपके पास अभी इसके डायग्राम के बारे में बताया हुआ है कि कंप्यूटर रिसीव डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, क्या करता है, डाटा और इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है थ्रू द इनपुट डिवाइस। किसके थ्रू, इनपुट डिवाइस कौन कौन से, आपके कीबोर्ड माउस, आपके जो स्टिक, आपके पास बहुत सारे क्या हैं इनपुट डिवाइस हैं। एंड गेट प्रोसेस इन सीपीयू ऐसे मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है आपकी, द रिजल्ट इज शो इन थ्रू इन द आउटपुट डिवाइस के थ्रू। आउटपुट डिवाइस के थ्रू आपका किस पे, मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाता है जो भी आपका यहाँ पे आउटपुट होगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। द मेन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी एक्सिलरी मेमोरी आर यूज टू बी स्टोर डाटा इन साइड द सेकेंडरी मेमोरी। जब आपको कोई भी डाटा क्या करना पड़ता है, यहाँ पे स्टोर करना पड़ता है इन साइड सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, इनपुट डिवाइस आपका नीचे बताया हुआ है बच्चों, आपके पास कीबोर्ड है और कीबोर्ड में आपका मोस्ट कॉमन जो इनपुट डिवाइस होता है, यूज अरेंजमेंट ऑफ द बटन ऑफ की, क्या करता है वो बटन ऑफ कीज को अरेंज करके रखता है। एंड अपार्ट फ्रॉम द अल्फ़ाबेट, बच्चे यहाँ पे अल्फ़ाबेट आ देंगे, की एंड 26 होती हैं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स है। और देर आर ए सेवरल ऑफर की, आपको बहुत सारी कीज़ होती हैं जो आपको पता ही चलती है, नंबर की हो गई, फंक्शनल की हो गई। ठीक है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ इनके। अब आपने नंबर कीज़ देखी, सेकंड क्या है आपकी डायरेक्शंस की होती हैं, क्या होती हैं आपकी बच्चों डायरेक्शंस की होती हैं, फिर फंक्शंस की होती हैं और अदर की होती हैं। डायरेक्शन की आपकी कीबोर्ड में ऐसे एरोज होती हैं कि आपको किस तरह मूव करना है, वो डायरेक्शन की है। फंक्शंस की F1 से लेके F12 तक होती हैं, क्या होती हैं, F12 तक आपकी फंक्शंस की होती हैं। अदर्स की होती हैं कि बच्चों आपकी स्पेशल्स की होगी, कंट्रोल हो गया, ऑल्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, ठीक है, फिर स्पेस बार हो गया आपका बच्चों, क्या हो गया, स्पेस बार हो गया आपका, टैब हो गया, तो वो क्या है, अदर्स की में भी काउंट हो जाती हैं। और बच्चों आपने, जिस बच्चे ने अगर वीडियो नहीं देखी है तो मैंने 10th क्लास में ये चीज़ें कराई हुई हैं और आप उन वीडियो में जाके देख सकते हो, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है आपका जो कंप्यूटर से रिलेटेड और 10th का, ये पोर्शन सेम है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अब यहाँ देखो बच्चों, आपको माउस क्या है, आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस है। फंक्शंस बाय डिलीटिंग टू डायमेंशनल मोशन, कि आपको मैंने पहले भी बताया, दो डायमेंशन मोशंस होते हैं सपोर्टिंग द सरफेस, वो क्या करता है आपके सरफेस को सपोर्ट करता है। बाय डिफॉल्ट माउस इज अ कन्फर्ड इन टू वर्क इन द राइट हैंड, क्या करता है आपके राइट हैंड की तरफ वो, आप उसे यूज़ करते हो। फिर नेक्स्ट आता है आपका लाइट पेन,
लाइट पेन से क्या है, लाइट इन द सेंसिटिव स्टाइल्स एंड द अटैच टू ए वीडियो एंड टर्मिनल टू ड्रॉ एंड द पिक्चर्स टू एंड द सेलेक्ट मेन्यू एंड ऑप्शंस। क्या करते हैं यहाँ पे आप, जैसे अब मैं वर्क कर रही हूँ एक जस्ट लाइक ए लाइट पेन ही हो गया कि मैं यहाँ पे कोई स्क्रीन पे अगर आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रही हूँ तो आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है वीडियोस में, ठीक है। नेक्स्ट आता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आप जैसे अब फ़ोन की एग्जांपल ले लो, आप अपने फ़ोन पे टच करते हो, ऐप ओपन करते हो तो वो क्या होती है, ओपन हो जाती है। इसकी डेफिनेशन करते हैं, दिस डिवाइस एंड अलाउज द इंटरेक्टिव विद द कंप्यूटर विदाउट एंड द इंटरमीडिएट डिवाइस यू मे सी इन द की कोक्स इज इंस्टॉल इन वेरियस पब्लिक प्लेस। यहाँ पे क्या होता है कि आप इसने कहा कि आपको कैसे कोई भी ऐसा डिवाइस यूज़ नहीं करना है कंप्यूटर में कि जिसकी वजह से आपको कहीं बाहर ले जाते हो कोई चीज़ तो वो भी साथ में अटैच करना पड़े। यहाँ पे एक इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपको सॉफ्टवेयर का नाम दिया हुआ है और उसे कहीं पर भी पब्लिक प्लेस में ले जा सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं ग्राफिक्स टेबल। ग्राफिक्स टेबल से क्या होता है, दिस डिवाइस इज यूज टू बी इंटायर डाटा यूजिंग ए स्टाइलिस एंड मोस्ट कॉमनली इज यूज टू बी द इंटायर डिजिटल एंड सिग्नेचर। इफ ग्राफिक्स स्टाइलिस्ट जो ग्राफिक्स टेबल्स होती हैं बच्चे की, जो आपको डिजिटल जो सिग्नेचर हो गए या आपको कोई भी ग्राफिक्स की फॉर्म में कोई भी डाटा दिखाई दे रहा है या उसको कोई भी स्टाइल है तो वहाँ पे कंप्यूटर क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। अब जॉयस्टिक की बात है, जॉयस्टिक क्या करता है, आपको पिवट करता है बेस एंड द ट्रांसलेट्स इट्स द एंगल ऑफ द डायरेक्शन। क्या करता है, एंगल ऑफ द डायरेक्शन एज ए डाटा। जॉयस्टिक आर ऑफन यूज टू बी कंट्रोल इनपुट एंड वीडियो गेम्स। क्या करता है जॉयस्टिक, जब आपके यहाँ पे ये लगा लो कि ये बंदा है, ठीक है, एक ये बंदा है और दोनों क्या कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। और इसके पास भी जो ऐसे के, तो इसके पास दोनों के पास रिमोट होता है, उस रिमोट के थ्रू वो क्या करते हैं, उस गेम के जो गार्ड्स होते हैं ना, एक एनिमी होता है, एक जो हमारे रक्षक होते हैं उनको, वो क्या करते हैं, उनको रोटेट कराते हैं कि उनसे कैसे जीतेगा। जस्ट लाइक जैसे हमारे बॉर्डर्स पे हैं, आप पुलवामा का जो भी केस देख रहे हो तो वहाँ पे क्या करते हो, तो वहाँ पे हमारे एनिमीज हैं जो हमारे रक्षक हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ पे हमें सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे है जॉयस्टिक में, वहीं गेम के थ्रू वहाँ पे क्या करते हैं, उसको सेल्फ कंट्रोल करते हैं वीडियोस को, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे, अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके माइक्रोफोन की बच्चों। किसकी बात करते हैं, आपके माइक्रोफोन की। माइक्रो इट इज़ यूज टू बी द ऑडियो डाटा। आप माइक्रोफोन से क्या करते हो, ऑडियो डाटा है कंप्यूटर, दे आर द मेनली यूज टू बी द साउंड रिकॉर्डिंग। किसके लिए, साउंड रिकॉर्डिंग के लिए यूज करते हो, ईयरफोन लगाते हो, जैसे आप बात भी करते हो, आपके कानों में हेयरिंग भी होती है, तो वही आपके लिए माइक्रोफोन जैसे है। नेक्स्ट है तो OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये सबको पता होना चाहिए, इज अ कन्वर्ट इमेज इन द टेक्स इन टू द मशीनी एडिटेबल टेक्स। इट इज अ वाइडली यूज टू विद कन्वर्ट बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स इन टू द इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स होते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फाइल होते हैं, जैसे आप देखो कई बार आपके किसी भी टी शर्ट में ऐसे बार 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 बने होते हैं, ऐसे रेक्टेंगल ऐसे बना होता है बुक्स, तो वो क्या करता है, उसको रीड कर लेता है उसके कैरेक्टर को कि उसके अंदर कौन सा कोड छिपा हुआ है, तो वहाँ पर क्या करते हैं OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर की बात करते हैं। फिर आती है स्कैनर, इट इज डिवाइस दैट द ऑप्टिकली स्कैन इमेज एंड प्रिंटेड टेक्स्ट और एनी ऑब्जेक्ट एंड द कन्वर्ट इनटू द डिजिटल इमेज। स्कैनर क्या करता है कि आपने कोई भी फोटो रखा, इमेज रखी, उसको क्या करता है, प्रिंट कर लेता है टेक्स्ट को, उसके ऑब्जेक्ट को, और उसको क्या करता है, डिजिटल इमेज में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देता है, और उससे आप क्या कर लेते हो, या स्कैन करके उसकी कॉपी निकल जाती है। आपने देखा भी होगा कई बच्चों ने जैसे स्कैनर से कोई भी स्कैन कराया है तो वहाँ पे क्या है, हमारी इमेज जो ऑप्टिकली स्कैन इमेज होती है वो प्रिंटेड टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड द कन्वर्ट द डिजिटल इमेज में कन्वर्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास 10th पॉइंट की, स्मार्ट एंड
स्मार्ट कार्ड रीडर है। अब यहाँ पे देखो, इट इज़ यूज टू एसेस ए माइक्रो प्रोसेसर ऑफ ए स्मार्ट कार्ड। देयर आर टू बोर्ड एंड द कैटेगरीज, दो कैटेगरीज के होते हैं, मेमोरी कार्ड हो गए और माइक्रो प्रोसेसर कार्ड हो गए। मेमोरी कार्ड कंटेन ओनली नॉन वोलेटाइल मेमोरी। मेमोरी कार्ड क्या होते हैं कि वो ऐसे होते हैं कि वो कहीं पे भी नहीं ले जा सकते। एंड द स्टोर द कंपोनेंट एंड सम स्पेसिफिक सिक्योरिटी लॉजिक। और वो किस लिए होते हैं? स्पेसिफिक सिक्योरिटी लॉजिक के लिए होते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर कार्ड कंटेन वोलेटाइल मेमोरी इन द एंड प्रोसेसर और कंपोनेंट। वो क्या करते हैं, आप कहीं पे भी ले जा सकते हो। अब बच्चों एक बात देखो कि आपका जो सेटअप बॉक्स लगवाया आपने, क्या लिखवाया, सेटअप बॉक्स, तो वहाँ पे क्या करते हो, आपके पास एक कार्ड होता है और उसकी एक पर्टिकुलर डिजिट होती है। जैसे आपके किसकी फ़ोन की क्या होती है, आपके पास फ़ोन की एक रेंज होती है ना, कि आपने कार्ड में दी है और आपको एक नंबर डिजिट प्रोवाइड कर दिया, किसका, एक नंबर प्रोवाइड किया, जिससे आप क्या कर सकते हो, एक अच्छे से उसको कहीं किसी से भी दे सकते हो। वो आपका एक फिक्स डिजिट हो गई। तो वैसे ही हमारा क्या होता है कि इसमें भी हमें एक डिजिट मिलती है जिसको आप रिचार्ज कराते हो, वहाँ पे हमारा सेटअप बॉक्स में हमारा जो कार्ड है वो फिक्स हो जाता है आपके बॉक्स के अंदर। ये तो है नहीं कि आप फिक्स नहीं करोगे तो आपकी जो आपके चैनल है वो चलते रहेंगे, नहीं, जब तक आप उसमें कार्ड इंस्टॉल नहीं करोगे तो आपके चैनल नहीं चलेंगे। और हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर कार्ड की कंटेन वोलेटाइल मेमोरी एंड माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट कैसे, अब आप वोलेटाइल का कार्ड की यही ले लो कि जैसे आपका एटीएम है, आप कहीं पे भी जाते हो, कहीं पे भी आप अपने पैसे क्या करते हो, पैसे निकाल सकते हो। उससे क्या होगा आप कि आपको एसेसेबल डाटा एसेसेबल करना क्या हो जाएगा, इजीली टास्क हो जाएगा, और कहीं पे भी जाके आप यूज़ कर सकते हो उसको, कहीं किसी भी एटीएम में ले जाके, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं बार कोड रीडर की तरफ। तो डिवाइस रीड द बार कोड एज ए इनपुट डाटा, इट कंटेन द लाइट सोर्स एंड द लाइट पेन इन द स्कैनर, इज ट्रांसलेट ऑप्टिकल इश्यूज एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। अब जैसे OCR की बात होती है, जो टेक्स्ट टेबल्स होते हैं, वैसे ही आपका बार कोड है। वही बार कोड तो हम स्पेसिफिकली ऐसी वही डिजिट हो गई और उसको हम रीड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम बच्चों बात करते हैं आपके CPU की, ठीक है। आपका CPU क्या होता है, आपको पता चल गया होगा, वेब कैमरा वही होता है कि लैपटॉप में तो क्या होता था, आपके पास लैपटॉप के अंदर तो आपका ऑलरेडी फिक्स होता है आपका कैमरा, और हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर होते थे उसमें नहीं होता था। आपको वेब चैट करनी है तो आपको कब क्या करना पड़ेगा, वेब कैमरा लेना पड़ेगा, और उससे आप क्या करते हो, उसकी क्वालिटी की, उससे अच्छी क्वालिटी से आप अपनी वीडियो को स्टोर करते हो और किसी से बात कर सकते हो। इट इज़ CPU की बात करते हैं। CPU एक प्रोसेसिंग डाटा इंस्ट्रक्शन करते हैं। इट यूनिट्स टू डिवाइड 3 मेजर सेक्शन, क्या होती है, CU कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक, CPU कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहाँ पे हम बात करते हैं बच्चों किसकी, CPU की। CPU के 3 मेजर पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और कंट्रोल यूनिट यूनिट प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या करती है, हमारे फॉलो करती है डाटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर। आप क्या करते हो बच्चे, जब आपने बिन जैसे आपने फाइल को सेव नहीं किया और लाइट ऑफ हो जाती है, तो कंट्रोल यूनिट हेल्प करती है, जब तक आपके फाइल को सेव नहीं होते तो वो आपको कुछ टाइम मिनट क्या करती है, स्टोरेज को बैकअप के लिए रखती है CPU, और हमें जब तक हम सेव नहीं करते, जब तक अपना सिस्टम शट डाउन नहीं करते तो हेल्प करती है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्या करता है यहाँ पे, इंटरप्ट द इंस्ट्रक्शन।
इंटरप्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम एंड स्टोर यूनिट एंड द प्रोसीड एंड द सिग्नल। जो इंटरप्ट हो गई, मैंने पहले ही बोला जो इंटरप्ट हो गई उनको सिग्नल्स को स्टोर कराने के लिए, उनको प्रोसीड कराने के लिए आपको टाइम देता है। एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, जब तक आपकी एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या करता है, आपके वही प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आपके ये ऑपरेशन क्या करता है, परफॉर्म करता है। अलजेब्रिक जो फंक्शंस होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन रिलेशन ऑपरेशन इक्वल टू ग्रेटर देन, ये क्या करता है, ALU परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपकी किसकी, प्राइमरी मेमोरी यूनिट की। किसकी बच्चों, प्राइमरी यूनिट मेमोरी यूनिट की। यहाँ पे क्या करते हैं, ये मेन मेमोरी स्टोरेज इन्फॉर्मेशन है, और जहाँ पे मेमोरी में यूनिट इज डिवाइड कितने पार्ट में, यहाँ पे बच्चों रैम में और रोम में। क्या होती है रैम, अंडर एसेस मेमोरी, और रीड ओनली मेमोरी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं। आपने पूछा कि दो तरह की आपकी क्या होती है, मेमोरी होती है। अब रैंडम एसेस मेमोरी इज यूज्ड, क्या करती है, इज यूज्ड टू प्राइमरी स्टोरेज कंप्यूटर टू होल्ड द एक्टिविटी इंफॉर्मेशन और डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। रोम क्या करती है, रीड ओनली मेमोरी, यूज्ड टू स्टोर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड द मैन्युफैक्चर एंड विच होल्ड द इंस्ट्रक्शन चेक बेसिक हार्डवेयर इंटरकनेक्टेड एंड लोड द ऑपरेशन सिस्टम अप्रोप्रिएट स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, जहाँ पे हम क्या करते हैं, रैंडम एसेस मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज की बात होती है, और रोम क्या करती है, आपकी सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ काम करती है। ठीक है, अब क्या करते हैं, मेमोरी की बात करते हैं। मेमोरी क्या होती है आपकी, मैंने पहले भी बताया है 12th क्लास के में जो चैप्टर है उसमें जो नेटवर्किंग का है, तो मैंने इस मेमोरी के बारे में बताया हुआ है कि जो हमारी एलिमेंट्री यूनिट होती है, एलिमेंट्री यूनिट में इट इज़ ए इट क्या होती है, बिट की फॉर्म में होती है। 4-bit क्या कहलाती हैं आपकी, निब्बल कहलाती हैं बच्चों। 4-bit क्या कहलाती हैं आपकी, निब्बल कहलाती हैं। जैसे 0101 4-bit का जो ग्रुप हो गया वो इट्स कॉल्ड क्या है, निब्बल है। ये बात समझ में आई आपको। अब क्या है, यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ 8-bit, किसका ग्रुप ऑफ 8-bit, तो हम मैंने पहले भी बताया है ग्रुप ऑफ 8-bit क्या करता है, इज़ कॉल्ड ए 1-byte। ठीक है बच्चे, यहाँ पे ये गलत रीटाइप है, तो 1-byte इट इज़ ए मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड इन स्टोर 1 character। वो क्या करता है, 1 character को रीड कर स्टोर करता है। जब 1-byte की बात आ जाती है तो वो क्या है बच्चों, 1 character है। जब ना कम्बिनेशन ऑफ 8-bit का होता है 1 character। जैसे आपको यहाँ पे देखो 1 kilobyte के अंदर 210 bytes होती हैं, bytes होती हैं, और क्या होती है 1024 bytes होती हैं। 1 megabyte के अंदर 210 kilobytes होंगी, और टू यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या है आपका इंस्ट्रक्शन स्टोर हो रही है, वहाँ पे क्या हो रखी है, इंस्ट्रक्शन स्टोर हो रही है इस फॉर्म में, इस फॉर्म में। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों आउटपुट डिवाइस की। ठीक है, अब आप आउटपुट डिवाइस, वैसे तो आपको पता ही होगा आउटपुट डिवाइस के बारे में। यहाँ पे आउटपुट डिवाइस क्या है, आर यूज टू डिस्प्ले रिजल्ट ऑन ए वीडियो एंड और आर यूज टू बी द प्रिंट द रिजल्ट। दीज आर ऑल्सो यूज टू स्टोर द रिजल्ट फॉर द फर्दर यूज, जिसको आप फर्दर यूज़ के लिए, मतलब जहाँ पे आपको हार्डली जो हार्ड डिवाइस के फॉर्म में जो आउटपुट मिल जाए, या फिर इन फ्यूचर जो वीडियो आप सुन सको, तो वो क्या है, आउटपुट है। मोनिटर और VDU इट द मोस्ट कॉमनली आउटपुट डिवाइस होते हैं, क्योंकि आप कंप्यूटर पे ही आपने आउटपुट देखते हो कि मैंने क्या प्रिंट किया, कीबोर्ड से ए प्रेस गया है, या कोई फंक्शंस की परफॉर्म किए हैं, तो आपके मोनिटर स्क्रीन पे है। इट्स लुक लाइक ए TV, वो किसकी तरह दिखता है, TV की तरह दिखा है। इट डिस्प्ले में बी द CRT एंड CLD प्लाज्मा और टच सेंसिटिव। CRT बच्चों, अब मैं आपको ये काम दे रही हूँ, CRT की फुल फॉर्म और LCD की फुल फॉर्म आपको मेरे को इसमें कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बतानी है इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है,
अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे स्पीकर। स्पीकर आपको क्या है, लिसनिंग डिवाइस है और ऑडियो आउटपुट देता है। प्रिंटर क्या है, आपको प्रोड्यूस करता है हार्ड कॉपी और टेक्स्ट और ग्राफिक्स के फॉर्म में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स क्या करते हैं, आपके बच्चे यहाँ पे जो आपके कैरेक्टर स्टिकिंग करते हैं, इंक एंड द शॉक एंड द रिबन जो अंगेज होता है, जैसे आपने बच्चों किसी ने टाइपराइटर देखा होगा, जब आप किसी को स्टिक करते हो डंडे से तो वो क्या करता है, वो बैक साइड में आपका क्या करता है, कार्बन की हेल्प से क्या कर देता है, उसको प्रिंट करता है। इंक जैक डिस जैक और द बबल जैक प्रिंटर क्या होते हैं, इंक जैक भी वही होते हैं, डिस जैक भी वही होते हैं और बबल जैक प्रिंटर भी वही होते हैं। लो कॉस्ट प्रिंटर होते हैं और इज कैंसल्ड एंड द स्ट्रीम ऑफ द लिंक प्रिंटिंग, या क्या करते हैं उसको कैंसल करने के लिए काम कर लेते हैं, स्ट्रीम करने के काम कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या करते हैं, लेज़र प्रिंटर की बात की जाती है। तो लेज़र प्रिंटर क्या करते हैं, प्रिंटर आर यूज टू बी द टेक्नोलॉजी एंड प्रोड्यूस द प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। दीज आर ए वेरी फास्ट प्रिंटर आर यूज टू बी द हाई क्वालिटी। अब जो एज प्रेजेंट हर कोई यूज़ करता है, बच्चे किसको यूज़ करता है, लेज़र प्रिंटर को। इसकी जो क्या है, ये बेस्ट क्वालिटी देता है हमें और फास्ट प्रिंटिंग करता है प्रिंट। फिर आते हैं आपके प्लॉटर। प्लॉटर क्या होते हैं, अब बच्चों देखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का आपका एक उदाहरण दूँ। जो आप एटीएम में जाते हो, जो भी आपकी स्लिप निकलती है जब आपने कोई भी पैसे निकाले हैं, तो वो क्या है, उसके अंदर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। ठीक है बच्चे, पासबुक में जो आपने एंट्री कराई है वो किसके थ्रू होती है, उसमें भी डॉट मैट्रिक प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। आप किसी कैंटीन में अगर आप कोई भी सामान परचेज करना चाहते हो, सीआरपी की कैंटीन है या एफोस की कैंटीन है, तो वहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं ना बच्चों, वो क्या है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर की हेल्प से होते हैं। अब नेक्स्ट आपको बताती हूँ प्लॉटर। देर आर यूज टू बी द प्रिंट एंड ग्राफिक्स, इट इज़ अ मेनली यूज द कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन। ये कब यूज़ किए जाते हैं, जब कंप्यूटर में कोई भी डिज़ाइनिंग की बात होती है। ठीक है बच्चों, क्या डिज़ाइनिंग की बात की जाती है। नेक्स्ट बच्चे, अब यहाँ पे देखो आपकी क्या है, कॉमन बस, कम्युनिकेशन बस। कम्युनिकेशन बस क्या होती है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। बस इज द सिस्टम दैट ट्रांसफर द बिटवीन द कंप्यूटर कंपोनेंट बिटवीन कंप्यूटर। जो कंप्यूटर मॉनिटर, जो हमने कीबोर्ड से जो भी इंफॉर्मेशन दी अदर कंपोनेंट तक पहुंचाने के लिए, क्या करती है वो, कम्युनिकेशन बस हेल्प करती है। अब नेक्स्ट नीचे दिया है एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या करती है, यूज टू स्पेसिफाई द एड्रेस मेमोरी लोकेशन। अब कोई मैंने यहाँ पे क्या क्या बच्चों, हमारा घर है तो वहाँ पे क्या है, बस है, तो बस बस है वहाँ पे, क्या है आपका घर है, तो क्या है वहाँ पे जो घर का एक एड्रेस है आपके पास, और एड्रेस में एक लोकेशन है जहाँ से आप आइडेंटिफाई करवा पाते हो। तो वैसे ही जब आपने ये फाइल आपने कहीं पे सेव की, तो उसकी लोकेशन आपके पास फिक्स होती है कि आपने ड्राइव में, सी ड्राइव में सेव की, ड्राइव बी किस में की, ई में की। तो हमें यहाँ के क्या पता है, एड्रेस बस हमारी हेल्प करती है उस चीज़ के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं डाटा बस के ऊपर। तो डाटा बस क्या करती है, यहाँ पे हमारा जो वी मीडियम है, जो बस विच ट्रांसफर डाटा इन द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। डाटा क्या करती है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कंट्रोल बस क्या करती है बच्चे, आपकी जो बस कैरी होती है सिग्नल्स की, द गिवन द रिपोर्ट अबाउट द स्टेटस ऑफ द डिवाइस। वो कंट्रोल बस क्या करती है, उसको कंट्रोल करके रखती है अगर उसके एग्जीक्यूशन में या कोई भी ट्रांसफ़र करने में कोई प्रॉब्लम होती है। अब पोर्ट्रेट्स क्या होते हैं, जो मदरबोर्ड्स द सेट ऑफ द कनेक्शन पॉइंट्स एंड कॉल द पोर्ट्स। पोर्ट्स कनेक्टेड इज टू बी डिस्क एंड द VDU एंड द कीबोर्ड। कीबोर्ड्स इज द पैरेलली पोर्ट डाटा बीट एंड ट्रांसमिट द पैरेलल 16 और 62 बीट एंड सिमिलरिटी। जो आपका डाटा पोर्ट्स होते हैं ना बच्चे, जो पैरेलली ट्रांसफ़र करते हैं, वो क्या होते हैं कि वो क्या करते हैं, 16 से 32 बिट्स के अंदर होते हैं जो पैरेलली ट्रांसमिट करते हैं। आप देखना कि ये बोलते हैं कि जो आपके पहले जो बसेस होती थी उनका जो मेमोरी कार्ड होता था, रैम होती थी सिस्टम में, तो कहते थे 32 बिट की है या 62 बिट की है। तो वहाँ पे ये हमें पता किया जाता है जब हम अपने सिस्टम लेते हैं।
तो यहाँ पे जो सीरियल पोर्ट होती हैं, जो सीरियल पोर्ट हैं ट्रांसमिट सिग्नल बिट सीरियली एंड वन आफ्टर अनदर। सीरियल पोर्ट्स कम इन द फ्रॉम 9 पिन एंड 25 पिन एंड द कनेक्ट क्या करती है आपकी मेल कनेक्टर होती है। फास्टर पैराफिलर सच हार्ड डिस्क कैन कनेक्ट टू द पैरेलल सपोर्ट करती है एंड द स्लो वर्क डिवाइस सच एज कीबोर्ड आर कनेक्टेड टू सीरियल पोर्ट। वो किससे कनेक्ट होती है सीरियल पोर्ट से होती है। स्टैंड एंड सीरियल पोर्ट इज नोन एज द यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। वो क्या होती है बच्चे आप देखोगे कि मदरबोर्ड जब आप सीपीयू को कभी खोलोगे तो सीपीयू के अंदर है ना आपकी एक बेल्ट के टाइप की 3-4 लेयर्स होती हैं वो दूर होती है उसको बोलते हैं जैसे आपकी डाटा ट्रांसफर होते हैं इंस्ट्रक्शंस बस भी होती हैं तो उसको यूनिवर्सल सीरियल बस भी कहते हैं। अब मैंने नेटवर्किंग की जब बात की थी RJ45 बताया था रिजेक्ट क्या होती है रजिस्टर्ड जैक होते हैं ये क्या करते हैं इथरनेट कम्युनिकेशन के थ्रू एंड कैन बी द यूज एंड बिटवीन कंप्यूटर एनी नेटवर्क डिवाइस को हेल्प करने के लिए हमारा मदद कर दिए हैं जो केबल मोडम होते हैं या नेटवर्क हब होते हैं। USB क्या करती है यूनिवर्सल सीरियल जो बस होती है वो शॉर्ट डिस्टेंस डिजिटल कम्युनिकेशन होती है और पोर्ट होती है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए बिटवीन डिवाइस एंड द लिटिल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर। अब जैसे आपके फ़ोन की केबल होती है बच्चों उसको बोलते हैं USB आप जिसको अलग से यूज़ करके अपने सिस्टम में भी यूज़ करते हो क्या है वो USB ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज की बात करते हैं बच्चों किसकी सेकेंडरी स्टोरेज की। सेकेंडरी स्टोरेज वही बच्चों की आप किन्हीं सेकेंडरी टाइम में एक्सिलरी जो आपकी है मेमोरी कि आप कभी भी नेक्स्ट टाइम उसको यूज़ कर पाओ। अभी हार्ड डिस्क का मतलब क्या है जो उसकी जो नॉर्मल कैपेसिटी स्टोरेज डिवाइस होती है रैंकिंग 1 GB होती है 2 TB भी 1 GB से स्टार्ट होके 1 TB तक भी होती है जो नाउ आज के डेज में हम यूज़ करते हैं। जनरली हार्ड डिस्क इन द सेल्ड एंड द यूनिट फिक्स इन द कैबिनेट वो क्या होती है वो पहले फिक्स ही होती है। अगर किसी का सिस्टम इतनी मेमोरी स्टोर कर लेता है और उसको एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है तो वो क्या करता है नई हार्ड डिस्क लेता है और क्या करता है उसमें उस डाटा को उसमें स्टोर कर लेता है इन फ्यूचर के लिए। कम्पैक्ट डिस्क क्या करता है स्टैंड द 120 mm CD होती है और जो उसकी क्या करती है 700 MB होती है। दिस इज़ द ऑप्टिकल डिस्क होता है विच इज़ कॉमनली यूज स्टोर ऑडियो एंड वीडियो डाटा। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या करता है ऑडियो और वीडियो डाटा को स्टोर करने के लिए। ट्रांसफ़र स्पीड इज़ द मेंशन द सिंपल ऑफ 150 KB पर सेकेंड एंड द 4x मिनिमम 600 KB जो आपकी जो ट्रांसफ़र स्पीड होती है ना डाटा स्टोर करने की वो स्पीड की बात की गई है यहाँ पे। DVD है आपकी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क ठीक है। यहाँ पे क्या है ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज डिवाइस है इट यूज क्या कर ऑप्टिकल क्या करता है यहाँ पे दिस इज एन ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज डिवाइस है। इट कैन बी द रिकॉर्डेड ऑन ए सिग्नल साइड और ऑन डबल साइड। इट द कैपेसिटी में भी रेंज ऑफ और द 4.7 GB टू 8.5 GB। यहाँ पे जो आपकी DVD आई है बच्चों उनकी जो डाटा स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत हाई है ठीक है। वो दोनों साइड से सिंगल और दोनों साइड से आप क्या करते हो उसमें स्टोरेज करते हो ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे हम मेमोरी कार्ड की बात करते हैं मेमोरी कार्ड की। अब बच्चों मेमोरी कार्ड मैंने आपको बताया था जो USB आपकी पोर्ट होती है दे हैव द कैपेसिटी एंड लेजर देन द हार्ड डिस्क मच एंड द लार्जर देन द फ्लॉपी और CD। दे आर मोर एंड रिलायबल आल्सो दे आर आल्सो कॉल्ड पेन ड्राइव्स। वो क्या होते हैं जैसे आपके पेन ड्राइव हो गए आप उसको वर्सटाइल होते हैं आप उसको कहीं पे भी ले जाके अपने डाटा को स्टोर करके उनका साइज होता है 2 GB का होता है 3 GB का 4 GB का तो वहाँ पे आप अपने डाटा को स्टोर करते हो और कहीं पे भी ले जाके उसको यूज़ कर सकते हो। अभी क्या है यहाँ पे आप डिवाइस मेनली यूज डिजिटल कैमराज एंड द कंप्यूटर मोबाइल्स के अंदर फ़ोन म्यूजिक प्लेयर्स वीडियो गेम्स एंड कंसोल दे आफ्टर द हाई रिकवरेबिलिटी एंड द पावर फ्री एंड स्टोरेज भी हो सकती है ठीक है।
इतनी बात आपको समझ में आई होगी बच्चों। और ई वेस्ट का मतलब क्या, वेस्ट का मतलब होता है इज द डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज द ओल्ड वर्जन कंप्यूटर। क्या होती है ओल्ड वर्जन, ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड मोबाइल फ़ोन टीवी एंड रजिस्टर्ड। ये क्या है, जो ओल्ड सिस्टम होते थे ना जो यूज़ करते थे आपके कंप्यूटर वर्जन, तो उनके लिए था। ई वेस्ट एंड डिस्पोजेबल एंड द मशीन, ई वेस्ट कंटेन द मेटिकल एंड द नॉन मेटिकल एंड द कंप्यूटर अलाउस एंड द कंपाउंड लाइक कॉपर एल्यूमिनियम गोल्ड सिल्वर। ई वेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स एंड द प्रॉपर रिसाइकलिंग एंड रिकवरी ऑफ द डिस्पोजल मटेरियल। तो वहाँ पे क्या होता था कि इसके जो इक्विपमेंट होते थे वो डिस्पोजली होते थे, वो क्या कहते हैं कॉपर वायर्स के होते थे, और क्या करता था वो कंपाउंड कर देता था, मतलब इकट्ठा करके जो चलता था वो गोल्ड सिल्वर से जो मैनेजमेंट होती थी उनकी पावर्स को रिसाइकल करता रहता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर कंसेप्ट ऑफ द प्रोडक्टिविटी टूल। अब सॉफ्टवेयर कंपोनेंट क्या होते हैं, जब आपने कंप्यूटर ख़रीदा बच्चों, कंप्यूटर ख़रीदा वो क्या था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था। आपने इनपुट डिवाइस भी पढ़े, आउटपुट भी पढ़े, पर आपको क्या है सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत है और उसको चलाने की भी ज़रूरत है। विदाउट इंटरफेस उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आप कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या करते हो आप, यहाँ पे सॉफ्टवेयर दैट डिवाइड इन डिफरेंट टाइप्स इज डिपेंड ऑन द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, मेंटेन बेसिक कंपोनेंट सिस्टम एंड अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू सॉल्व सम स्पेसिफिक टास्क एंड डेली यूज, जो आप क्या करते हो डेली यूज के लिए करते हो। ठीक है, काम करते हो। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं बच्चे, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल सॉफ्टवेयर वाइल द डॉक्यूमेंट्स टूल एंड प्रेजेंटेशन टूल स्प्रेडशीट टूल एंड एनी ऑल एग्जांपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इवन यू फेवरेट कंप्यूटर गेम इज एग्जांपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सम कॉमन एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड फॉलो। ठीक है, हम जब सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे बच्चों देखो कि BIOS, ठीक है, पहले आपको BIOS की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो हमें बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पता होता है कि हमें क्या करना होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं वो अटैच होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट अटैच होते हैं और वो बूटिंग सिस्टम के लिए हेल्प करते हैं, बूटिंग करने के लिए स्टोर करते हैं और चिप प्रोग्राम्स को। फिर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आर देयर हैं, उनके हेल्प से हम क्या करते हैं इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे अब लिखा है नीड फॉर एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, हमें ज़रूरत क्यों हुई। ठीक है, अब यहाँ देखो बच्चों कि ज़रूरत की बात करते हैं, इन्होंने कहा कि मेजर फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं बच्चे, मेजर फंक्शन ये कम्युनिकेट हार्डवेयर और अटैच डिवाइस, डिवाइस मैनेजर होते हैं, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ। मेमोरी मैनेजर होते हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेमोरी होती हैं, इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। प्रोग्राम मैनेजर होते हैं और वो हेल्प करते हैं कि टास्क मैनेजर क्या टास्क परफॉर्म करना है, और फाइल मैनेजर होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सिंगल यूज़र, मल्टीपल यूज़र, मल्टी यूज़र और रियल टाइम। क्या हो गए सिंगल यूज़र, सिंगल यूज़र बच्चे यहाँ पे देखो अलाउड क्या करते हैं, सिंगल यूज़र क्या करते हैं अलाउ करता है, और वन यूज़र टू ऑपरेट ए कंप्यूटर रन इन डिफरेंट प्रोग्राम। एक कंप्यूटर पे एक बंदा क्या करता है, रन करता है डिफरेंट प्रोग्राम, वो कहलाता है सिंगल यूज़र। एमएस डोस कॉमनली एग्जांपल ऑफ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा एग्जांपल है एमएस डोस। मल्टी यूज़र क्या करता है, टू और मोर यूज़र प्रोग्राम रन प्रोग्राम एट ए सेम टाइम। मल्टीपल यूज़र का मतलब क्या है कि दो प्रोग्राम हैं, दो यूज़र हैं। जैसे क्या हुआ बच्चों, एग्जांपल ले लो कि आपके पास एक प्रिंटर है और दो बंदों ने उसको कमांड दी है एक ही टाइम पे। ठीक है,
विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क के थ्रू हम रिसोर्स, जब रिसोर्स लोके रिसोर्स शेयरिंग की बात करते हैं तो उसका एग्जांपल है जैसे मल्टीपल यूज़र ने दो इंसानों ने एक साथ कमांड दी है प्रिंटर को, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे रन कर रहे हैं प्रोग्राम एट द सेम टाइम एट ए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम पे। पहले उसको पहले बंदा ने जो एग्जांपल विद इन सेकंड जो दी है कमांड उसको एग्जीक्यूट करेगा फिर सेकंड को। अब यहाँ पे यूनिक्स लिनक्स विंडो और कॉमन इज ए मल्टी यूज़र एग्जांपल, ठीक है। हमारी क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको कितने भी बंदे यूज़ कर सकते हैं। रियल टाइम क्या करता है, रिस्पोंड करता है टू इनपुट इंस्टॉली रियल टाइम ऑपरेशन सिस्टम आर कॉमनली फाउंड एंड द यूज टू बी द रोबोटिक एग्जांपल एंड मल्टी मीडिया एनिमेशन। और क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है एंड हैज़ वेरियस मिलिट्री एंड गवर्नमेंट यूज़, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए रियल टाइम में क्या सिचुएशन अक्कर होती है। और अब बात करते हैं डिवाइस ड्राइवर की। थर्ड क्या है आपके पास, डिवाइस ड्राइवर है बच्चों। क्या है आपके पास, डिवाइस ड्राइवर है। डिवाइस ड्राइवर इज़ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट इन द लाइक इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस दैट द यूज़र और द ऑपरेटिंग सिस्टम। वो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। प्रिंटर हो गए, स्कैनर हो गए, वेब कैमरा हो गया, ये क्या है, डिवाइस सॉफ्टवेयर हैं। अब लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है आपके पास बच्चे, बहुत सारी लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, आपके पास बाइनरी है। जैसे क्या होता है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड क्या करता है, मशीनी लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। और लो लेवल लैंग्वेज क्या है, LLL, थ्री टाइप, तीन बार जब एल आता है उसकी फुल फॉर्म क्या है, लो लेवल लैंग्वेज। इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू द लर्न फॉर ए जनरल प्रोग्राम एंड द थस देयर इज ए नीड फॉर सम स्पेसिफिकली लैंग्वेज दैट इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड फॉर प्रोग्राम इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम। These special languages or set of commands are the collectively used and collectively known as a programming language or high level language. क्या करता है, high level, for example high level language क्या है, C++, Java, here help to be language easily and translate machine language using language are these are language में अब translator की बात होती है। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए असेंबलर क्या होते हैं, कंपाइलर क्या होते हैं, इंटरप्रेटर क्या होते हैं। असेंबलर क्या करता है, जो लैंग्वेज प्रोसेसर होता है वो क्या करता है, आपके ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज टू मशीनी लैंग्वेज। उस प्रोग्राम को क्या करता है, मशीनी असेंबलर लैंग्वेज को जो मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या करता है कि एक लैंग्वेज को कम्प्लीटली एक साथ उसको हाई लेवल में जब लिखी गई है तो एक साथ उसको वन टाइम में ही एग्जीक्यूट ट्रांसलेट कर देता है। इंटरप्रेटर क्या करता है बच्चे, आपकी वन बाई वन आपकी लाइन, जैसे मैंने एक लाइन लिखी इसको पढ़ेगा, दो लाइन लिखी इसको पढ़ेगा, तीन लाइन लिखी इसको पढ़ेगा पहले, ठीक है। और जो हमारा कंपाइलर है वो तीनों को एक साथ पढ़ेगा और एक साथ एग्जीक्यूट करके हमें दे देगा, ठीक है। अब क्या है, इसका फिगर जो बना हुआ है, सोर्स कोड है विद इन ए हाई लेवल रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज, फिर कंपाइलर है और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है मशीनी लैंग्वेज, वो क्या करता है उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की जाती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वैसे ही जो टूल होते हैं वो क्या करते हैं, टास्क, वर्ड प्रोसेसर हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, आपको पता ही है ये क्या करते हैं, आपके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जैसे आपका दिया हुआ है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक पर्पज़ और डेवलपर टूल। ये आपको अभी हम डिस्कस करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, वी आल्सो बी रिक्वायर सम एडिशनल सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्या करता है, सम एडिशनल सॉफ्टवेयर होते हैं दैट इज द एफिशिएंट एंड द टर्बुलर फीस होती है, और वो क्या करते हैं, बंडल्ड करते हैं विद ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ। बट वी कैन आल्सो बी द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड अदर वेंडर्स एंड द फ्यू एग्जाम्पल, जैसे कंपेरिजन
इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूज अ सॉफ्टवेयर यू कैन रिड्यूस द कंप्रेस द स्टोरेज साइज ऑफ एनी कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल्स और नॉट इन यूज. ठीक है, उनको क्या करता है, कंप्रेस कर देता है उनके साइज को. बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम से जो भी चीज़ चली गई है या आप रिसाइकल बिन में स्टोर होते हैं तो उनकी बैकअप के लिए हमारी हेल्प करता है. ठीक है, रेगुलरली जो बैकअप होता है. बच्चों यहाँ पे आप डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करेंगे. डीफ्रेगमेंटेशन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे फाइल टू लार्ज होती है. यहाँ पे क्या है, फाइल को क्या करते हैं, टू लार्ज स्टोरेज सिंगल लोकेशन होती है, उसको स्प्लिट कर देता है फाइल स्टोरेज पीसीज में. अब जैसे आपने सी ड्राइव की बात की और उसने क्या कर दिया, कंप्यूटर में एक मेमोरी है जैसे रैम आपके 32 बिट है तो आपने उसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया. वही है उसको शॉर्टली उसको क्या करता है, डीफ्रेगमेंटेशन कर देता है और उसकी ट्री सॉफ्टवेयर स्पीड क्या होती है, सिस्टम रीअरेंज कर देता है फ्रेगमेंटेड फाइल स्टोरेज डिस्क इन द कंटिन्यू लोकेशन एंड इन अदर ऑर्डर टू बी द ऑप्टिमाइज सिस्टम एंड परफॉर्मेंस. अब यहाँ पे बात होती है एंटीवायरस किसकी, बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, एंटी वायरस डिलीशन एंड द प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर. अब आए यहाँ पे एंटीवायरस करते हो जो फ्री वर्क इन्वायरमेंट होता है, रिस्ट्रक्टिंग द एंटिटी एंड द अनवांटेड जो प्रोग्राम आपके सिस्टम में आ जाते हैं. टेक्स्ट एडिटर क्या करता है बच्चों, यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है हेल्प करता है वन टू क्रिएट स्टोर और एडिट ए बेसिक टेक्स्ट फाइल के लिए. एग्जाम्पल टू टेक्स्ट एडिटर टू द Notepad, Gedit and the Key Writer, ये क्या है आपके टेक्स्ट एडिटर है. जहाँ पे आप टेक्स्ट एडिटर की बात करते हो मतलब जो भी आपने राइटिंग लिखी है ना उसमें एक ऐसा ग्राफिकल टच देना आपके डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग. जनरल पर्पज़ जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं बच्चे, जनरल पर्पज के लिए मतलब कि आप कोई भी वर्ड प्रोसेस में आप ग्राफिक्स यूज़ कर रहे हो या कोई ऐसी फैसिलिटी है आप डॉक्यूमेंट्स में जो उसको एक्सटेंसिव फॉर्मेटिंग देते हो. स्प्रेडशीट में आप कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फैसिलिटी क्रिएटिंग ए टेबुलर फॉर्म इज द सम टेक्स्ट इन द न्यूमेरिकल वैल्यूज को स्टोर कर रहे हो. ठीक है, डाटाबेस जो मैनेजमेंट है वो आपका एक रिकॉर्ड होता है जहाँ पे आप अपनी फाइल को क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो बच्चों. ठीक है, बात करते हैं स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की. स्पेसिफिक पर्पस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो बिजनेस इंस्टीट्यूट और हाउस बिजनेस हाउस के लिए होते हैं. इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे आप बात करो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम परचेजिंग सिस्टम, ये क्या करता है, जनरली यूज टू बी डिपार्टमेंट स्टोरेज के अंदर होता है रिकॉर्ड करने के लिए किसका, जैसे स्टॉक रजिस्टर है उसको मेंटेन करने के लिए. डेवलपर टूल होते हैं जो प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम टूल होते हैं, वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर फॉर एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन ही और सी रिक्वायर स्टोरीज सीरीज एंड सॉफ्टवेयर डेवलप टूल लाइक कोड एडिटर या डीबगर्स एंड द कंपाइलर. वो क्या करते हैं, डेवलपर जो टूल होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी नई चीज़ आपको सॉफ्टवेयर बनाना उनके लिए हेल्प करते हैं. यहाँ पे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है. यहाँ पे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के बारे में क्या डिस्कस किया हुआ है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. आईडी क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इज़ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट द असिस्टेंस ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एज ए पार्ट ऑफ सिंगल इंटरफेस. ये क्या करता है, एक सिंगल इंटरफेस को प्रोवाइड करता है. बच्चे यहाँ पे अब क्या है, आपका दो टूट यहाँ पे टाइप दिए हुए हैं, कंसिस्ट ऑफ टू फॉलोइंग टूल्स, सोर्स कोड एडिटर हो गया और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया, कंपाइलर इंटरप्रेटर हो गया और बिल्ड एंड द ऑटोमेशन टूल हो गए. ये आपको मैंने पहले भी बताया है कंपाइलर क्या करता है, जब ग्राफिकल इंटरफेस क्या है कि आपका इंटरफेस प्रोवाइड करता है, सोर्स है कोड एडिटर है कि आपके कोड को एडिट करता है. यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बच्चों, यहाँ पे आपको देखना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से आपके ऑप्शन आते हैं. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो गया, जनरल पर्पस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं इनके लिए, स्पेसिफिक जो पर्पस के लिए आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और डेवलपर जो टूल हैं और सिस्टम
सिस्टम सॉफ्टवेयर में बच्चे आप हार्डवेयर ले लोगे, नहीं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर बच्चे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और डिवाइस ड्राइवर हो गया, हार्डवेयर के अंदर आपके सीपीयू मॉनिटर और माउस कीबोर्ड है। बच्चों आज जो हमने डिस्कस किया आई होप सो आपको समझ आया होगा, फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो बच्चों मैं आपसे ये कहूँगी कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो कि मैम ये हमें टॉपिक समझ नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट टाइम उसे और अच्छा करके इम्प्रूव करके आपको समझाऊंगी जिससे आपका पॉइंट क्लियर हो जाए। और बच्चों वीडियो को जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक उसको देखते रहो, क्योंकि जब तक आप पूरा कंसेप्ट नहीं करोगे तो हाफ चीज़ आपको नॉलेज नहीं देगी, ठीक है। आप जितना इस वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करो। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।